जय भीम, जय जोहार। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं जन की बात। कंगना का ऑफिस टूटा, देश भर की मीडिया में कंगना 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 का हाहाकार मच गया। कंगना महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे बॉलीवुड के कई दिग्गजों से भिड़ती हुई नजर आई, जिसके कारण कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने बीएमसी के जरिए उनके ऑफिस पर जेसीबी चलवा दी, जिसकी वजह से हमारे देश की गोदी मीडिया को एक नया मुद्दा मिल गया अपने न्यूज रूम में चीखने चिल्लाने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाखों लोगों की जिंदगी को बेघर करने का एक बार में फैसला सुना दिया, जिस पर गोदी मीडिया ने एक शब्द भी बोलने की जहमत ना उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे ना दे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने सुनाया है, लेकिन वहां रह रहे लोगों को आगे क्या होगा उस पर अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई लोगों के सपने टूट रहे हैं। सिर पर छत ना रहने का डर हर पल असुरक्षित महसूस करवाता है। उन परिवारों में से एक है विजेता राज, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्यार्थी हैं। उनकी कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम विजेता राजभर है और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अभी अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। और जैसा कि सभी उन बच्चों की जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो हायर एजुकेशन में जाएं या रिसर्च लाइन में जाएं, तो वो एमफिल पीएचडी करना चाहते हैं, इसी तरीके से मैं भी अपने मास्टर्स के बाद एमफिल पीएचडी करना चाहती थी और मैं अपने उसी एंट्रेंस की तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन तभी हमें एक आदेश पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि दिल्ली के अंदर रेलवे ट्रैक के किनारे जितनी भी 48,000 झुग्गियां हैं उन सबको 3 महीने के अंदर किसी भी कीमत पर बिना किसी के हस्तक्षेप के हटाया जाए। आदेश ने पर्सनली मुझे क्यों इतना इफेक्ट किया, उसका एक महत्वपूर्ण रीजन ये है कि मैं डीयू की स्टूडेंट होने के साथ साथ स्लम एरिया में रहती हूँ। मेरा जन्म ही यहाँ स्लम एरिया में हुआ है, तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर मैं स्लम एरिया में नहीं रहती तो डीयू में शिक्षा ग्रहण करना मेरे लिए कितना नामुमकिन होता, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से आती हूँ कि हम दिल्ली का किराया रूम का अफोर्ड ही नहीं कर सकते अगर हमारे पास इस तरह की दिल्ली के अंदर झुग्गियां नहीं होती। तो अचानक से इस आदेश ने हमें भीतर से झकझोर के रख दिया है कि आगे की पढ़ाई का हमारा क्या होगा। अभी तो मान लीजिए मास्टर्स कंप्लीट हो गया मेरा, लेकिन मेरी पीएचडी एमफिल ये सब कहाँ जाएगी, सब पूरा एक अंधकारमय सा लगने लगा है। पूरा संघर्ष जो अब तक यहाँ तक करके पहुँचे थे उस पर बिल्कुल संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। इतने तो सुंदर और मुंह क्या छुपा रहे हो यार। इसीलिए कोर्ट का ये जो आदेश है अपने आप में ही मुझे बहुत असंवेदनशील लगा कि उन्होंने एक बार भी इस झुग्गियों में रहने वाले मजदूर मेहनत कश आवाम के बारे में नहीं सोचा कि उनकी जिंदगी क्या होगी, वो कहाँ से गुजर बसर करेंगे। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो सबसे ज्यादा बुरी मार पड़ी है तो वो इसी तबके पे थी। हमने कितना भयभाव पलायन देखा है मजदूरों का कि वो कितनी बुरी अवस्था में चलकर अपने घरों तक गए हैं, लेकिन फिर से रोटी कमाने के लिए उन्हें आना पड़ा वापस। और वो मजदूर रहते कहाँ हैं, सारी चीजों का निर्माण करने वाले, सब उद्योगों में जान डालने वाले, सारी इंडस्ट्री में जान फूंकने वाले जो मजदूर है वो इन्हीं स्लम एरियाज में रहते हैं। मैं अपने क्षेत्र की विशेषता आपको बताऊं तो कीर्ति नगर जो है फर्नीचर मार्केट के लिए फेमस है और हमारे पड़ोस में ही नारायणा लोहा मंडी
भारी उद्योगों के लिए फेमस है। तो यहाँ पे जो ये इंडस्ट्री इतनी फल फूल पाई है वो इन्हीं लेबर की वजह से ही फल फूल पाई है जो इसी स्लम एरिया में रहते हैं। आप एक जगह तो मोदी जी लोकल वोकल का नारा देते हैं, हमारी सरकार जैसा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, तो कोर्ट को सोचना चाहिए कि झुग्गियों में भी लड़कियां रहती हैं जो पढ़ लिख रही हैं, जो इसके जो जो जिनका इस आदेश के बाद क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, कहाँ जाएंगी। सरकार का फैसला आया है कि जो भी रेलवे के किनारे झुग्गियां बनी हुई है उनको 3 महीने में हटा दिया जाएगा, क्या क्या दिक्कतें आएंगी इससे आपको? हम लोग का भैया रहने ठिकाना नहीं रहेगा, खाने का अनाज नहीं मिलेगा, राशन कार्ड खराब हो जाएगा, हर एक चीज के लिए हमारे मुसीबत आ जाएगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बताओ, पढ़ाई लिखाई हम कहाँ लेके जाएंगे, कहीं प्लाट भी नहीं ली, वहाँ जाके रहूँ बच्चों को लेके। कोर्ट द्वारा झुग्गियों को हटाने का आदेश तो पारित कर दिया जाता है, लेकिन वो एक बार भी इस बात पे चर्चा नहीं करती है कि जो वो सरकारी आंकड़े दे रही है कि 48,000 झुग्गियों को हटाया जाएगा तो उन लोगों को कहाँ स्थापित किया जाएगा, या फिर उनको कहाँ पुनर्वास दिया जाएगा, या फिर वो 48,000 झुग्गियों में रहने वाले लोग जाएंगे कहाँ, उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, उनके रोजगार का क्या होगा, उनके सर से जो छत खीनी जा रही है उसका क्या होगा, इस पर किसी प्रकार का कोई भी जवाब कोर्ट की तरफ से नहीं आता है। बस 3 महीने का एक सीमित अवधि हमें दे दी जाती है कि इतने समय में आपको ये हटाना है ही हटाना है, जो एकदम से तोड़ने वाला हमारे लिए साबित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन झुग्गियों में रह रहे लोगों को केवल 3 महीने का समय दिया है और साथ में ये भी आदेश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा। चूंकि रेलवे का कहना था कि इस मामले में कई बार राजनीतिक पार्टियां बीच में आ जाती हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह की राजनीतिक दबाव और दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा, जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जीवित है तब तक दिल्ली में किसी भी झुग्गी में रहने वाले को विस्थापित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह एक योजना बना रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि झुग्गी वासियों के घरों को कोई गिराए नहीं। आज बस इतना ही। बहुजन समाज की और अधिक खबरों के लिए द शूद्र देखते रहिए और अपने साथियों को भी दिखाते रहिए। इसके लिए द शूद्र को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। जय भीम, जय जोहार। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्र, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।